हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, आपकी वीडियो में अगर 4 से 5 व्यूज़ आ रहे तो आप कौन सा गलती कर रहे हो जिसके कारण आपकी वीडियो में व्यूज़ नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो आप जो जितने भी बड़े यूट्यूबर लोगों के वीडियो देखते हो, जैसे टेक्निकली इसरार हो गया तुम्हारा, मनोज देव हो गया, टेक्निकली योगी हो गया, तो आप लोग इस लोगों की जो वीडियो देखते हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उसके वीडियो देखना बंद कर दोगे। क्योंकि भाई इन लोग जितने बड़े यूट्यूबर है तुमको गोल गोल घुमा के भाई उसके हर कोई वीडियो आपको दिखाता भाई, क्योंकि वो नहीं चाहते, जितने भी बड़े यूट्यूबर है वो नहीं चाहते भाई तुम उसके व्यूअर्स हो, तुम यूट्यूबर बनो, वो कभी नहीं चाहते। लोगों को बस बेवकूफ़ बनाते गोल गोल घुमा के भाई, तुम उसके व्यूअर्स हो, तुम ही अगर यूट्यूबर बन जाओ तो उसके वीडियो कौन देखेगा भाई। तो ऑब्वियसली भाई ऐसे ही भाई उन लोग तुमको गोल गोल घुमा के भाई, कोई भी छोटा कल उसका बकरी मर गया, कल उसका क्या बोले, कल उसका कपड़ा चोरी हो गया, कल उसका ये हो गया, कल उसका घड़ी ख़राब हो गया, भाई यही बना के आपको बेवकूफ़ बना के आपको बस व्यूज़ लाते हो लोग वीडियो में। तो आप मेरे इस वीडियो को देखने के बाद तो लोग वीडियो देखना ही बंद कर दोगे। सबसे पहले तो आपके अगर वीडियो में 4 से 5 व्यूज़ आ रहे हो तो आपको क्या करना है, क्योंकि जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं उन लोगों के वीडियो देख आप वो लोग एक ही बात बोलते हैं, टाइटल टेक डिस्क्रिप्शन सही से लगा। इससे लगाने से कुछ नहीं होगा भाई, सच बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा, आपके वीडियो में व्यूज़ ही नहीं आएंगे। तो सबसे पहले तो आपको YouTube में काम करना पड़ेगा, मतलब डेली आपको वीडियो अपलोड करना पड़ेगा, वो भी सेम टाइम में जिस टाइम में आप वीडियो अपलोड करते हो। तो आपको पहले से वीडियो बना के अनलिस्ट करके रख सकते हो, जो वो इस उसी टाइम में आपको वीडियो पब्लिक करने, जिसके कारण आपके वीडियो में व्यूज़ आएगा। सपोज आप मान लो आप कोई कंपनी में जॉब करते हो तो आपको क्या करता है, आपको डेली उसी टाइम में जाना पड़ता है ना। यूट्यूब भी वैसे सेम है, आपको अगर वीडियो बनाना है आपको सेम टाइम पर आपको वीडियो अपलोड करना है, जिसके कारण आपके वीडियो में व्यूज़ आएगा, बढ़ना व्यूज़ नहीं आएंगे मेरे भाई। तो सबसे पहले तो आपको रेगुलरली काम करना पड़ेगा, और एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, टाइटल टेक डिस्क्रिप्शन लगाने से कुछ नहीं होगा भाई। आपको सबसे पहले आप किस टॉपिक में वीडियो बना रहे हो आपको पहले वो देख लेना है। सबसे पहले आप उस वीडियो को जाके अपने यूट्यूब में जाके सर्च कर लेना उसी टाइटल को। जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, 4 से 5 व्यूज़ आ रहा है, तो आप क्या करोगे, तो जब मैं इसको जब सर्च करता हूँ यूट्यूब में तो ऑलरेडी बड़े 3-4 यूट्यूबर लोगों के वीडियो आ जाते हैं। तो मैं उसका क्या करता हूँ, सारे तीनों जो यूट्यूब बड़े यूट्यूबर के वीडियो आए तो मैं उसका सब एक जितने भी बड़े यूट्यूबर के वीडियो आए तो उसका टाइटल को मैं क्या करता हूँ अपना डिस्क्रिप्शन में लगा लेता हूँ, मेरा खुद का भी डिस्क्रिप्शन में मेरा टाइटल दे देता हूँ, और बाकी वो तीनों जो वीडियो सजेशन में आए तो उसके भी टाइटल में अपना डिस्क्रिप्शन में लगाता हूँ, जिसके कारण मेरे वीडियो उन लोगों का वीडियो कोई भी जब भी चलाते हैं तो उसके नीचे मेरा वीडियो आ जाता है, जिसके कारण सजेशन में मेरा भी वीडियो चलता है, जिसके कारण मेरे व्यूज़ आते हैं। तो अब देख पा रहे हो मेरे हर वीडियो में लगभग 1K के ऊपर व्यूज़ है। मैं ज़्यादा रेगुलरली वीडियो नहीं डालता फिर भी 1K के ऊपर व्यूज़ आ गया हर वीडियो में। तो आपको और एक चीज़ बताता हूँ, आपको सीधी उंगली से कभी भी व्यूज़ नहीं आएगा, आपको उंगली टेढ़ी करना पड़ेगा भाई। आपको सबसे पहले आप वीडियो अपलोड कर देने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 4-5 से मोबाइल से आपको वॉच कर लेना आपका वीडियो। अगर 4-5 मोबाइल नहीं भी है तो आप अपने मोबाइल पे बहुत सारे जीमेल क्रिएट कर लो, लगभग मिनिमम 10 जीमेल क्रिएट करने के बाद आपको अपना वीडियो अपलोड करने के बाद उसी टाइटल को सर्च करके या अपने चैनल में जाके भी आप उसको, जितने भी 4-5 जीमेल बनाए उसमें आपको सब्सक्राइब कर लेना है अपने चैनल को। चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के बाद आपको क्या करना है, वो वीडियो जब भी आप जीमेल से आप जब यूट्यूब चैनल को लॉगिन करोगे तो आपको ब्राउज फ्यूचर में वो वीडियो दिख जाएगा, तो आपको ब्राउज फ्यूचर से आपको क्लिक कर देना है, आपको वीडियो पूरा देखना है, वॉच करना है। फिर ऐसी तरीके से आपको हर जीमेल से आपको वॉच कर लेना है, उसके बाद आप देखना आपके वीडियो में 100% भाई 4-5 दिन के अंदर व्यूज़ आना चालू हो जाएगा भाई। तो इसी ट्रिक को आप फॉलो करो, जिसके कारण आपका वीडियो रिकमेंडेशन में भी जाएगा भाई। ब्राउज फ्यूचर से अगर कोई वीडियो देखता है आपका, मतलब सब्सक्राइब जो करके रखें तो उससे अगर वीडियो देखता है तो ब्राउज फ्यूचर में सबसे ज़्यादा भाई वीडियो जाता है। तो इसी तरीके से आपको जो व्यूज़ का प्रॉब्लम है ये दिक्कत आपको सॉल्व हो जाएगा। और अभी भी बोल रहा हूँ, पर जितनी बड़े यूट्यूबर है उन लोगों का वीडियो देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि भाई उन लोग भाई आपको बेवकूफ़ बनाएगा ज़िंदगी भर, आप कभी भी 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटा पूरा नहीं कर पाओगे भाई। आप लोगों को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की नॉलेज वाले वीडियो में हमेशा लाता रहता हूँ भाई।